हेलो एवरीवन, ये है हमारा फ्लैट का चाबी जो हमें मिल चुका है और अब हम फ्लैट में इंटीरियर का काम शुरू कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, फॉल सीलिंग का काम हो रहा है यहाँ पे। ये फॉल सीलिंग का फ्रेम्स है जो लग गए हैं ऑलरेडी। इसके ऊपर फिर इलेक्ट्रिक का बोर्ड आएगा, फिर ये कंप्लीट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्वागत बहुत सारे माप जोक कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे डिज़ाइन प्लानिंग के मुताबिक बहुत सारे एक्स्ट्रा प्लग पॉइंट्स चाहिए था ये टीवी यूनिट के लिए। तो स्वागत ने क्या किया, पेंसिल से उसको मार्क करके करके उसको कहा कहा क्या चाहिए ताकि इलेक्ट्रिशियन को आसानी से समझ में आए। और ये बाकी पूरा फ्लैट में फॉल सीलिंग का काम हो रहा है। ये रहा स्टडी रूम, इसका हालत बहुत ही ख़राब है। पूरा फ्लैट को एकदम फोड़ फोड़ के रख दिया। ये आप देख सकते हैं एसी का पॉइंट। हमने एक्चुअली सारे रूम्स में ये काम हमने एकदम पहले किया। उसको दीवार को तोड़ के उसके अंदर से पाइप निकालना पड़ता है, तो ये बाद में नहीं कर सकते। ये फ्लैट में सारे विंडो एसी का ऑप्शन था, लेकिन हमें स्प्लिट एसी चाहिए था स्पेशली। ये है फॉल सीलिंग का फ्रेम, और इलेक्ट्रिक का पाइप आएगा, फिर इलेक्ट्रिक का तार आएगा, तो उसके लिए सारे प्रिपरेशन है। दीवार को एकदम तोड़ देना पड़ता है। इसलिए सारे जो ऐसे काम हैं तो जिसके लिए दीवार तोड़ना पड़ेगा, वो हम एकदम पॉइंट करके वो सारे काम पहले ही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए स्वागत सब पेंसिल के लिख के रखा है कहाँ पे क्या क्या चाहिए। ये किचन है, यहाँ पे भी फॉल सीलिंग होगा। ये हमारा एंट्रेंस है, यहाँ पे हमें जाली डिज़ाइन का फॉल सीलिंग लगाने वाले हैं, वो तो मैं ज़रूर बाद में दिखाऊँगी। हाँ, ये एक और एसी का पॉइंट है। इसके नीचे सारे कहाँ पे सॉकेट चाहिए, क्या पे एक्स्ट्रा स्विच चाहिए टीवी यूनिट के लिए। स्वागत का ड्राइंग है ये, ताकि हमारे इलेक्ट्रिशियन को अच्छे से समझ में आए सारे। ये बेड के साइड में, बेड साइड टेबल के ऊपर हमें लैम्प शेड चाहिए, उसके लिए एक सब प्लग चाहिए। यहाँ पे एक वार्डरोब था अलमारी, तो उसको हमने एक्चुअली वहाँ से उठा के, बेडरूम से उठा के ये गेस्ट रूम में सेट किया है। आप देख सकते हो ये गेस्ट रूम का एसी का पॉइंट है, क्योंकि हमें हमारे बेडरूम में सारे एक जैसे डिज़ाइन के फर्नीचर चाहिए था, तो इसलिए हमने उसको उठा के इस रूम में ले आए हैं। ये देख सकते हो अच्छी तरह से फिट हो गया। हाँ, ये प्यारा सा फ़ोटो मैंने खींचा है, और आगे भी बहुत सारे काम होने वाले हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी। और कुछ दिनों से हम बहुत सारे शॉपिंग कर रहे हैं। ये कॉर्नर रैक्स जो होते हैं वॉशरूम के लिए, ये टॉवल हैंग करने के लिए, तो हम एक बहुत बड़े शॉप में गए थे जहाँ पे ये टॉयलेट एक्सेसरीज मिलते हैं, बहुत अच्छे थे। हमने सेम डिज़ाइन के सारे चीज़ें सिलेक्ट किए हैं। ये सोप केस है, ये मिरर हमने गेस्ट रूम के वॉशरूम के लिए सिलेक्ट किया है। स्वागत का क्यूट सा फोटो है मैंने खींचा है। हाँ, ये शेल्फ का मिरर है, ये बहुत ही पसंद आया हम दोनों को। और ये सारे जो हुक्स होते हैं डोर के पीछे लगाने के लिए, ये डोर स्टॉपर, डोर क्लोज़र, ये मैग्नेट जो होते हैं डोर के पीछे लगाने के लिए, ये बहुत ही क्यूट कुछ हैंडल्स थे। ये तो हम लिए नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद आए इसलिए मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए इसके। ये शायद हम फ्यूचर में कभी यूज़ करने की। और ये है, बहुत फैंस ख़रीदा है हमने उस दिन, तो अभी के लिए ऐसे।